सवाल जो हमारे पैनल से उठे हैं इसी पर जवाब देने के लिए भारतीय किसान यूनियन की प्रवक्ता राकेश टिकैत जी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर समित आपके पास भी आऊंगी, सुप्रिया आपके पास भी, लेकिन सीधा सवाल राकेश टिकैत जी अब मैं आपसे करना चाहूंगी, क्या जिस मकसद के साथ आप लोगों ने किसान आंदोलन की शुरुआत की थी वो भटक गया है, अराजकता का अड्डा बन चुका है, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं तमाम दलों की ओर से भी, आप एक किसान यूनियन के नेता को भी सुन रहे थे, बीजेपी भी आरोप लगा रही है, ये जो जिंदा जला देने का मामला सामने आया है राकेश टिकैत जी, इस पर क्या है आपकी टिप्पणी और कौन है इसके लिए जवाबदेह और जिम्मेदार? और जवाबदेह तो इसका ये है कि अगर किसी ने जिंदा जलाया तो देश में धाराएं कानून है, वो जेल जाएगा, उस सजा होगी 302 लगती है जिंदा जलाने पे, कोई उसका साथी होगा 120 भी लगती है, जांच हो जाएगी। इसका बिलू से क्या मतलब है, देश में कानून है ना, कानून अपना काम करेगा, हम तो साथ देंगे उसका, उनके परिवार का, बिल्कुल उसकी जांच होनी चाहिए। और जो वीडियो बताया जो सरदार जी ने, वो वीडियो भी देख लो, उसकी जांच होनी चाहिए कि बदनाम करने के लिए या कोई आदमी तंग हालात में था तो तीन पहलू पे इसकी जांच हो जाए और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। दूसरा बताओ, किसान नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं है टिकैत साहब? किसान नेताओं ने, मैं हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 10 लाख आदमी बैठा हुआ है और अगर इस तरह के आरोप लगते हैं कि खुद ही किसानों ने मिलकर, जो कथित किसान है उन्होंने एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया शराब के नशे में धुत होकर, और वहां पर जातिवादी टिप्पणी की गई जो परिवार वालों की ओर से सीधे आरोप लगाए गए हैं, टिकैत साहब गलत, उस परिवार के प्रति भी तो अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीजिए जिसने इस शख्स को खोया है। नहीं नहीं, हमने वहाँ के सरपंच से बात करने की वो करी और हमने कहा है कि हम सरपंच से या उनके परिवार से वो हो जाए तो हम उनके परिवार में जाएंगे। हमें भी पूर्ण रूप से दुख है कि अगर उसने सुसाइड करा है तो भी हमको दुख है, किसने उसको जिंदा जला है दो भी दुख है, उसके खिलाफ जांच हो और उनको सजा होगी, कानून है अपना काम करेगा, हम पूरा सहयोग उनको करेंगे। कोई आदमी डेथ किसी की होती है तो दुख होता है उसका पूर्ण रूप से, और हम उसके परिवार के पीड़ित परिवार के साथ में है उसकी, किसने घटना करी है वो सजा भुगतेगा, कहाँ जाएगा बच के, पुलिस फोर्स से बच कर चला जाएगा क्या कहीं कानून से, इसने हरकत करी है तो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकारों को शर्म नहीं लग रही, वे एलिगेशन ढूंढते हैं उनका समाधान नहीं करते। किसान क्यों बैठा हुआ है, क्या हमारे घर पर काम नहीं है, क्या हम अपने खेत में नहीं जाना चाहते? 7 महीने से जब देश आजाद हुआ ये कहा गया था कि किसी को कोई दिक्कत होगी अपना ज्ञापन देगा, बैठेगा, शांतिपूर्ण तरीके से धरना देगा, और आज 7-7 महीने से लोकतांत्रिक देश में 7-7 महीने से लोग बैठे हुए हैं, एक देश की राजधानी को घेर के वहां का किसान बैठे हुए हैं और वहां की सरकार बात नहीं सुनेगी, ये कौन सा लोकतंत्र है? जब ये विपक्ष में थे तो ये नहीं बात करते थे, यान का बैठते थे, आज इनकी सत्ता आ गई तो आज इतने अहंकारी हो गए हम बात ही नहीं करेंगे किसी से, मतलब हमारी मर्जी होगी अगर बात करेंगे तो, हमारी कंडीशन है ये, इस कंडीशन पे आओगे तो हम बात करेंगे। मैं सुन रहा था इनको भी कि 26 तारीख, अरे 26 तारीख की जांच कौन करेगा, 26 तारीख की सही जांच करवा दो तो सजा होगी इनको, बीजेपी वालों को इनको सजा होगी, कौन कौन वहां पे लेके गया है 26 तारीख में लोगों को, मतलब इनको फौज पे कोई वो हो, किसान मरे, पुलिस फोर्स का टकराव हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका तो यह है कि किसान संगठन बदनाम हो।